खंडवा जिले के मुंदी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात को केनू तालाब के पास बड़ी कार्यवाही की है। एसपी विवेक सिंह द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा एवं एसडीओपी राकेश पेंड्रो के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। केनू तालाब के पास लालखेड़ा रोड से 3 आरोपी को गांजे के साथ पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर मुंदी टीआई ब्रजभूषण हिरवे के नेतृत्व में एसपी खंडवा की विशेष टीम ने कार्यवाही की है। यामाहा बाइक तथा होंडा एक्टिवा बिना नंबर की जब्त की गई है। एसडीओपी राकेश पेंड्रो ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में आरोपियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। माल कहां से कहां ले जाने के संबंध में पता लगाया जाएगा। मुंदी से नवाब खान के साथ शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। देखिए, कल 13 सितंबर को मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि सनावत तरफ से होकर भीड़ तरफ कोई गांजे की डिलीवरी होने वाली है। तो सूचना के आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की विशेष टीम के सहयोग से थाना स्तर पर घेराबंदी की गई, जिसमें घेराबंदी करने के बाद केनू तालाब के पास लालखेड़ा रोड से 3 व्यक्ति 2 गाड़ियों में मिले, जिसमें एक बाइक यामाहा थी और दूसरी बिना नंबर की एक्टिवा थी। तो उनसे वहां पर रोका गया, पूछताछ की गई और सर्चिंग की गई। तो वहां पर उनके पास से 5 किलो गांजा, कीमती 50,000 रुपये एवं 2 गाड़ियां, ये सब उनसे बरामद की गई हैं। तो तीनों आरोपी जो है सनावत के रहने वाले हैं, तीनों को हिरासत में ले लिया गया है एवं तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 391/22/8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। किधर ले जा रहे सर वाले? पूछताछ के आधार पर अभी ये सनावत से भीड़ तरफ ले जाने की जो है उन्होंने स्वीकार की है। बाकी इसमें अभी और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रिमांड भी लिया जाएगा सर? अभी इनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं, फिर इनको रिमांड में लिया जाएगा, अग्रिम पूछताछ की जाएगी। और कुछ नाम बताएं कि भाई कहां ले जा रहे हो? पूछताछ जारी है और रिमांड में लेके और पूछताछ की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।